हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भारद्वाज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं हमारे सामने कुछ स्टेबलाइजर के डिफरेंट टाइप के सर्किट रखे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेबलाइजर की जो सर्किट है ये सभी प्रकार के सर्किट हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को ये सर्किट चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर मैं अपना नंबर दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से जाके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हैं, सबसे पहले ये आजकल ये बहुत लेटेस्ट मार्केट में चला है, ये 90 वोल्ट 280 वोल्ट डिजिटल डिस्प्ले सर्किट है ये दोस्तों। और ये इस पीसीबी के साथ देख सकते हैं, ये इस सर्किट के साथ अपडेट होता है और यहाँ पे इसका जैक दिया हुआ है और इसमें इंस्टॉलेशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इजी इंस्टॉलेशन हो जाता है। बाकी आप किसी भी स्टेबलाइजर में चाहे 1 KBA से लेके 15 KBA तक के स्टेबलाइजर में आसानी से आप इसको सेट कर सकते हो दोस्तों। ये सर्किट 72 mm के साइज़ में है या 72 mm के जो स्टेबलाइजर होता है जिसमें साइज दिया होता है, यानी कि जिसमें ये वाले मीटर लगे होते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसमें इसकी जगह पर भी आप ये इस तरीके से लगा सकते हो। इसमें पेंच वगैरह लगाना नहीं पड़ता, इसमें ये लॉक दिए हुए ये पुश होके आप करते हो तो ये अपने आप ही सेट हो जाता है। बाकी आप इसको 65 mm के भी वोल्ट मीटर में भी सॉरी 65 mm के स्टेबलाइजर में भी आप लगा सकते हो इसको। ये यहाँ से इसके कैबिनेट खोल के इसको बाहर निकाल लेना है और ये केवल 65 mm के मीटर के साइज़ का हो जाता है दोस्तों ये। तो आप 65 mm 72 mm किसी भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की बॉडी में आप इसको आसानी से फिट कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों इसी में का एक और मेरे पास है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और ये सर्किट काफ़ी अच्छा चला है मार्केट में, ये सभी प्रकार के सर्किट हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमारे पास 5 पीस के सर्किट का ऑर्डर आया है तो ये ऑर्डर हमारे पास कल निकल जाएगा यहाँ से। बाकी माइक कंट्रोल में आपको दिखा रहा हूँ, एक ही हमारा माइक कंट्रोल में है, ये बड़े ट्रांजिस्टर में है, ये इसमें 5 रिले का फंक्शन दिया हुआ है। ये आप इसको डबल फेस के स्टेबलाइजर में भी वर्क कर सकते हो और आप इसको जो 60 वोल्ट इनपुट स्टेबलाइजर होता है उसमें भी आप इसको वर्क करा सकते हो दोस्तों, ये इजी सेट हो जाता है दोस्तों। और एक ये हो गया और एक ये माइक कंट्रोल हमारे पास सर्किट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए एक ये सर्किट है, ये भी काफ़ी बेस्ट सर्किट है दोस्तों। और दोस्तों इसी में ये छोटे ट्रांजिस्टर में इसी में का सर्किट एक इस टाइप में आता है बड़े ट्रांजिस्टर में, वो भी हमारे पास आपको मिल जाएगा दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको IC वाले सर्किट दिखा देता हूँ, MN 324 वाले सर्किट, ये देखिए दोस्तों ये 5 स्टेप में है ये और ये 4 पिस्टन है, इसमें ये 90 to 280 वोल्ट का है, सिंगल फेज का सर्किट है दोस्तों, ये मिल जाएगा। और ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी में, ये थोड़ा लो क्वालिटी में है, आप देख सकते हैं ये भी मिल जाएगा। और ये देखिए ये भी 90 to 80 वोल्ट सर्किट है मैनुअल वाला सिंगल पेसेट में, ये अलग अलग हर रिले के लिए अलग सेपरेट रिले लगा हुआ सर्किट लगा हुआ दोस्तों, ये मिल जाएगा हमारे पास। और देखिए एक ही सिंगल पेसेट में मिल जाएगा और इसमें IC यूज हुई है, आप देख सकते हैं LMN 324 IC इसमें यूज हुई है, ये भी हमारे पास आपको मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे बढ़िया सर्किट ये है, ये सस्ते में और सबसे अच्छे में सर्किट दोस्तों ये है, ये LMN 324 ये भी है पर इसमें एक सिंगल पेसेट यहाँ पे लगता है दोस्तों और इसमें 24 वोल्ट की सप्लाई लगती है, 24 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी आपके ट्रांसफॉर्मर से निकली हो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और यह 500 वाट से लेके 15 KVA तक के स्टेबलाइजर में आसानी से लगा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों एक सर्किट ये है, इसमें IX रिले लगानी पड़ती है, ये भी सर्किट बहुत बढ़िया है 3 पीसेट में दोस्तों। और भी दोस्तों हमारे पास कई लेटेस्ट मॉडल में है सर्किट, वो अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मेरी दूसरी शॉप पर हैं और जो मेरे पास है मैंने कहा इसका चलो वीडियो बना देता हूँ दोस्तों। और ये देखिए ऑटोकैड स्टेबलाइजर की PCB है, ये काफ़ी सस्ती हमारे पास है, ये 8 रुपये की आपको हमारे पास मिल जाएगी दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सर्किट लेना है या इनका रेट जानना है या इनके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और मेरे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो भी बनाऊँगा उसमें इन्वर्टर कि जितने भी प्रकार के PCB है मेरे पास 15-20 प्रकार के, उनका सबका बारे में बताऊंगा। बाकी स्टेबलाइजर के एक सर्किट एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मुझे और भी जो मेरे पास सर्किट रह गए बताने के लिए उसको मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।